बिलावली तालाब में डूबे युवक का शव कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर के बिलावली तालाब में मंगलवार शाम को डूबे युवक का शव रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया है। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बिलावली तालाब में श्रीनगर काकड़ निवासी धर्मेंद्र नामक युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, तभी अचानक धर्मेंद्र का पैर फिसल गया और तालाब में गिर गया। सूचना मिलने पर तेजाजी नगर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद धर्मेंद्र के शव को रेस्क्यू किया है। वहीं शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एमवी अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल पूरे ही मामले की जांच की जा रही है। युवक तालाब में किस तरह गिरा है? ये थाना तेजाई नगर के अंतर्गत बिलावली जो तालाब है उसमें एक व्यक्ति के डूबने की कल शाम को खबर प्राप्त हुई थी। ये धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो श्रीनगर काकड़ का रहने वाला है। 45 वर्ष लगभग इसकी उम्र है। शाम को अपने एक दोस्त के साथ ये गया हुआ था। वहाँ पर ये कुछ पैर फिसल गया, जो भी हुआ हो उसमें डूब गया। तो कल रात में तो डेड बॉडी नहीं मिली थी, पर आज सुबह जब सर्च कराया गया तो उसकी डेड बॉडी प्राप्त हो गई है। प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर लिया गया और मर्ग की जाँच की जा रही है।